हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन लड्डू, जो हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। एनी टाइम स्नैक है, आप कभी भी बच्चों को दे सकते हो। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, जैगरी पाउडर, सत्तू, चने का सत्तू है, रोस्टेड चने का सत्तू है, पीनट बटर, जो आपको जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं, और एक बाउल। ये नो फ्लेम कुकिंग है, इसमें किसी फ्लेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने लिया है टू स्मॉल बाउल सत्तू लिया है, या फिर आप इसको चना पाउडर भी बोल सकते हैं, भुने हुए चने का पाउडर है। और यहाँ पे 1.5 कटोरी हमने जैगरी पाउडर लिया है, ये आप अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। और ये पीनट बटर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम एक बाउल लेते हैं, उसमें ये सब सारा इन्ग्रीडियंट मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पहले हम इनको जैगरी पाउडर को और सत्तू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम पीनट बटर ऐड कर देते हैं। पीनट बटर हम उतना डालेंगे कि हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, लड्डू का शेप बन जाए। तो हमें थोड़ा ज्यादा, और पीनट बटर को हमें थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर मेल्ट करने के लिए भी रखना होता है, अदरवाइज हमारा पीनट बटर मिक्स नहीं हो पाता है। ये हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है तीनों को मिला के, पीनट बटर, सत्तू और जैगरी पाउडर। अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से किसी भी साइज के बना सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे लड्डू बनाने ही बेटर होता है। तो हम लड्डू बनाते हैं। हमारा स्मॉल साइज का लड्डू बनके तैयार है, इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। और जितने आपको लड्डू बनाने हैं, जितने आपके इसमें बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। ये हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। हमारे जितने लड्डू बने हमने बॉल उनकी बॉल्स बना के रख लिए। अब इनको हम स्टोर करके ऐसे जार में रख सकते हैं, तो हम इसमें स्टोर करने के लिए रख देते हैं। इसको हम कभी भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए एक हेल्दी स्नैक है ये, उनकी ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। आप भी इनको बना के देखिए और आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर